हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम हैं नवादा में आरजेडी के कार्यालय में और हमारे साथ हैं अफसर नवाब उर्फ छोटा लालू जी। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि वो आज क्या कुछ कहने वाले हैं नवादा की जनता से, नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता से। छोटा लालू जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। सभी सम्मानित भाई लोग का अभिनंदन करते, जिले के सभी गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका से आए हुए सम्मानित पिछड़ा दलित गरीब गुरबा अल्पसंख्यक अकलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों, पूरे बिहार में चर्चा है, नवादा का सीट कंफर्म है। सीट मिलने में सबसे पहले विभा देवी का फाइनल हुआ और सीट जितने में भी विभा देवी का सबसे पहले फाइनल होगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बहुत से लोग बाहर से बखला के तरह तरह के गाड़ी घोड़ा लेके उमड़ रहा है यहाँ पर, चौड़ा गाड़ी, मोटा गाड़ी, पतला गाड़ी, लेकिन सब होगा पिछाड़ी। सबसे गाड़ी हमारा लालटेन वाला गाड़ी रहेगा। सब लोग तैयार है वोट कटवा से बच के, एन ओने हट के, लालटेन में लगेगा शॉट के बटन दबेगा 11 अप्रैल को। हुमच के भाई लोग, सबको बधाई, सबको शुभकामना। लेकिन छोटा लालू जी, कहा जाता है कि जैसे जो ये नवादा जो संसदीय क्षेत्र है वो जातीय लड़ाई में उलझ कर रह जाता है, कभी कौशलेंद्र और राजवल्लभ बनाम होता है, तो इस बार भी कई यादव चुनाव मैदान में हैं, जैसे प्रोफेसर के भी यादव मैदान में उतरे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यादवों का वोट है वो विभाजित हो जाएगा, इसका डर नहीं सता रहा? बहुत से लोग गाय गोरू पालता है, बहुत से घर में भैंसिया रहता है, लेकिन कौन दुधारू है, किसका दूध अमृत होता, किससे प्रजा को फायदा होता, किसके गांव ग्राम में किसका दूध लोग लेता आराम से पीता, वो देखने का मैटर है। लालू यादव के आसपास जो पड़ोस में जो हमारे सामाजिक न्याय की धारा का लोग है, सब लालू के साथ है, लालू का करंट है। कहीं सभी यादव का हम सम्मान करते, किसी का हम गलत नहीं बोलते, सभी सामाजिक न्याय की धारा के लोग हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं तो डिफरेंट जगह पर अपना अपने अपने डिमांड को रख सकते। सबको हमने सम्मान देने का काम किया। कभी कभी हड़बड़ होता है ना, उसके फेरा में आप लोग टीवी वाला मत रहिए, सब लोग साथ हैं, सब जोड़े हैं ना जी, सब जोड़े हैं। लेकिन जो इतिहास रहा है, नवादा का इतिहास रहा है कि दो यादवों की लड़ाई में जो भूमिहार समुदाय के लोग हैं वो चांदी काट जाते हैं, उनकी जीत होती है। जनता लोग जात बिरादरी नहीं करता, टीवी वाला लोग खाली ही जाते वो जाते बतियाते, आप लोग समझते हैं, बार बार पूछना चाहते कैसे बोलना चाहता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यादव समाज एकजुट है, लालटेन के साथ है, विभा देवी के साथ है, राजवल्लभ का करंट है, लालू यादव का करंट है, पूरा नवादा एकजुट है। कोई चाहे बेगूसराय से आए कि मोकमा से आए कि बाढ़ से आए कि बख्तियारपुर से आए, कोई फर्क नवादा में नहीं पड़ने वाला है। एकत्रित है पूरा समाज का लोग, सब दलित पिछड़ा अकलियत का भाई लोग, गरीब गुरबा समाज का लोग पूरा मन बनाए हुए है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा समाज के लोग हमारे साथ हैं। सभी का बधाई, सबको पुनः स्वागत करते, उमड़ा हुआ भीड़ नहीं देखते जी, चारों पट्टी हरियरे जनाता, चारों पट्टी हरियरे, लोग बखलाल चलता बोलता, अब ऐसे होते वैसे होते, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग समझ गया है इस बार विभा देवी के साथ जो करंट है, पूरा वोट, कहीं कोई लड़ाई नहीं होगा। 2 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जीतेंगे नवादा में, कम से कम बिहार टॉप करेगा पूरा इसमें, सबको फिर से बधाई देते हम लोग। लालू जी, ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले मेरी चंदन सिंह से बात हुई है, वो उनका दावा है कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारे सामने कोई है ही नहीं। जिम्बाब्वे भी वर्ल्ड कप खेलता बोलता हम चैंपियन हो जाएंगे, मना करता है वो उसका मैनेजर भी बोलता है, उसका खिलाड़ी बोलता है कि अभी हम पटक देंगे हिंदुस्तान के, अब पाकिस्तान भी छोटका कंट्री वो कहता अभी पटकिए दबो, जब जब वर्ल्ड कप होता तब तब पाकिस्तान हिंदुस्तान से हटता, लेकिन फरियाने के लिए आता, उसका हम स्वागत करते, फिर हम स्वागत करते अपने विरोधी प्रतिद्वंदी का भी। माई समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह परफेक्ट है, मुसलमान यादव भाई लोग तो जोड़े है ये है, बाकी दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा सब लोग जोड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर फरिया लेंगे हम लोग,
2 लाख से ऊपर वोट से विभावी देवी जीतेगी, फिर से आप रिकॉर्ड कर लिए, पूरा देश सुनना चाहता और सबको पता चलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज है, अभी मेरी नवादा में ही एक राजनीतिक पंडित से बात हो रही थी, वो समीकरण मुझे समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि भूमिहार वोट तो नहीं बढ़ता लेकिन जो पिछड़ों का वोट है, दलितों का वोट है, वो अक्सर बढ़ जाया करता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है, क्योंकि जो पिछड़े के कैंडिडेट हैं वो बहुत सारे मैदान में आ गए हैं, ठीक उसी तरह से दलित के कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं। तो जो RJD है उसके लिए जो ये लड़ाई है बहुत ही टफ होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कहें कोई टफ नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा बड़ा परिवार है, बड़ी उम्मीदें लोगों को है, इसलिए परिवार में ढनमन ढनमन होता, कौन कितना इंटेक्ट रहता, कौन कितना जवरे रहता, कहाँ जवरे होता कहाँ नहीं होता, अपने पूरा विधानसभा पिछला भी देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, हमारा जो वोटर है इंटेक्ट है, भले लोग खेत खरियान के फेरा में रह जाता है, वोट के दिन वो गड़बड़ होता, लेकिन सब लोग अभी समझ गया है, सवेरे उठ के बिना खेले पीले सतुआ रोटी खाएगा, लाइन में लग जाएगा और सर सवेरे लालटेन के सामने बटन दबाएगा, बाहरी को भगाएगा, लालटेन को जिताएगा, सबको हम बधाई देते फिर से, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं रहेगा इस बार भी। लेकिन 2009-2014 दोनों ही बार आप चुनाव हार चुके हैं यहाँ से, तो हार जीत तो लगा हुआ है, हार और जीत एक हिसाब किताब है, वो चलते रहता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हार जीत नहीं होना चाहिए, तो संवैधानिक विचारधारा के तहत चलता है काम है, वोट है प्रत्येक पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जीत सुनिश्चित, मेरा सवाल फिर वही है कि जीत सुनिश्चित करने के लिए आप वोटों का बिखराव कैसे रोकेंगे? बिखराव है जी, एक पार्टी है सब लोग हो, आधी रोटी खाएंगे और विभा को जिताएंगे, ठीक है, ठीक है, आधी रोटी खाएंगे और विभा को जिताएंगे, आधी रोटी खाएंगे और विभा को जिताएंगे, तेज तेजस्वी की आंधी में भाजपा को उड़ाएंगे, तेज तेजस्वी की आंधी में लोजपा को उड़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। और क्या खोजते हैं हम? आपका रेड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ करना चाहते हो, अगर आप नवादा की जनता से कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। सभी लोग फेरा में किसी के गड़बड़ाना नहीं भाई लोग, माई समीकरण को मजबूत रखना, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग सब जोरे जोरे साथ हैं, जहां जिसको जरूरत पड़े एक दूसरे का मदद करना, और एक दूसरे के साथ रहने पर आपका हमारा सबका भलाई है, सामाजिक न्याय की धारा के तहत लगे रहना, एक एक वोट एन वन हट के, वोट कटवा से बाज के, लालटेन में लगे साठ के, अब बाकी जो बाहरी लोग आया है चाहे जने से भी आया है उसको रगे देना, हुमच के दोबारा नवादा ताकने का काम नहीं करे, और नवादा में जो लोग हैं, जो नवादा का भाई आपके सामने खड़ा होगा उसका सपोर्ट करना, माई समीकरण जिंदाबाद, सामाजिक न्याय की धारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेटवर्क से बात करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।